जय माता दी माँ। जय माता जी की बेटी। मैं भारती साहू बात कर रही हूँ, लखनऊ से। हाँ हाँ जी, प्रश्न करें बेटे, क्या पूछना चाहते माँ ये थोड़ा आर्थिक चीजों से परेशान थे, कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और जी शरीर भी थोड़ा सा सही स्वस्थ नहीं रहता है, पूर्ण रूप से तनाव बना रहता है मन में। नहीं, आप मुझे ना बताएं क्या है देवी, आपका जो जीवन है वो जी ग्रहण काल से ग्रसित है जी और यह ग्रहण काल आपके माँ के उदर से ही उत्पन्न हो गया है। जी जिस समय अपनी माँ के गर्भ अवस्था में आप थी उसी समय ग्रहण की छांव पड़ गई। वो कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। दो ग्रहण होते ना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। जी तो आपका जीवन जो है चंद्र ग्रहण से ग्रसित हो जाने के कारण जीवन में कष्ट ही कष्ट उत्पन्न हो रहा है। आपकी माँ को भी यही कष्ट रहा है जो आपको है, जी था कि नहीं? जी था कि नहीं? जी था बिल्कुल हाँ, तो वही कष्ट जो माँ को था वही कष्ट आपको हो रहा है। और यह जी ग्रहण दोष की शांति के साथ में माँ बगला मुखी अनुष्ठान आप करावें, जी ठीक है? और जी ग्रहण दोष की जब तक शांति आपकी नहीं होगी तो कितना ही आप डॉक्टरी इलाज करा लें, पूजन पाठ भी करवा लेंगे, अन्य सामान्य पूजन पाठ, तो आपका जो है जीवन काल का जो दोष है उससे उर्ण नहीं हो पाएंगे, तो कष्ट कैसे दूर होगा? जी माँ कार्यों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, होते होते कार्य रुक जाते हैं। हाँ, कितना भी मंदिर देवालय स्थान आप भटक भटक जी के परेशान हो जाएंगे, किंतु उस मंदिर देवालय में जाने का जो आपका सफर रहेगा, पूजन पाठ का जो जो दक्षिणा दान दक्षिणा में आप खर्च करेंगे वो दक्षिणा भी विफल नहीं जाएगी। उन्हीं पुण्य कर्मों के प्रताप से आपको महाविद्या साधकों की सानिध्य प्राप्त हो करके और माँ महाविद्या ब्रह्मास्त्र महाविद्या का सानिध्य आपको प्राप्त होगा और उनकी कृपा से आप ठीक हो जाएंगी। अभी आपको अर्थ की व्यवस्था से भी परेशान हो, शारीरिक स्थिति जी से भी परेशान हो, मनोस्थिति जी से भी परेशान हो, तो ऐसी कुछ व्यवस्था बने कि शारीरिक मानसिक आर्थिक सभी परिस्थितियों से आपका जीवन प्रोग्रेस की ओर जाए। जी माँ इसीलिए अभी विवाह के लिए भी मतलब प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने आपको कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, थोड़ा भय भी लगता है। क्योंकि जी भय भय इसीलिए लगता है कि मन को धोखा मिल जाता है ना, तो वो सब चिंता रहित मन हो जाता है, योग बनते बनते आपके टल टल जाते हैं, जी फिर योग बनते फिर टलते हैं, क्योंकि मनोस्थिति आपकी ठीक नहीं बन पा रही है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को परखने के लिए आपके अंदर वो मन ही नहीं बन पा रहा है, आपकी इंद्रियां अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही हैं। तो इन सभी परिस्थितियों से आपको मुक्ति पा करके और शुभ फल की प्राप्ति हो, इसके लिए माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के ही आराधना आप करें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, ठीक है? इसके लिए क्या करना होगा मैम? ग्रहण दोष की शांति करावे, ठीक है? जी दूसरा, कालसर्प दोष भी आपको है तो कालसर्प दोष की शांति आप बाद में कराएं, माँ बगलामुखी का अनुष्ठान, ग्रहण दोष की शांति करावे। ठीक है बेटे, तो इसकी संपूर्ण जानकारी कैसे मिलेगी, जब किस प्रकार आपको से कैसे करवाना है? तो जब आपको करवाना होगा कि ग्रहण दोष की शांति के लिए 13 दिन का पूजन होगा, माँ बगलामुखी अनुष्ठान के लिए 21 दिन का पूजन होगा। अच्छा, तो वहां आना पड़ेगा। हाँ, एक बार तो आना होगा बेटे, या संकल्प देने आए या फिर संकल्प ऑनलाइन दे देते हैं तो फिर पूर्णाहुति के लिए आपको आना है। अच्छा ठीक है बेटे। जी माँ।